Hello everyone, welcome to GK Today. This is Arzu Kakkar and in this particular lecture मैं आपके साथ environment और biodiversity से related जो भी current affairs रहे तो उनको MCQs format में यहाँ पर हम discuss करेंगे, कुछ questions लूँगी आपके साथ. तो without taking much of time session को शुरू करूँगी, लेकिन हाँ, skip मत करो, अगली line बहुत important है. मैंने previous lecture में जो कि हम category wise compilation कर रहे हैं तो उसमें question पूछा था, एक नहीं दो पूछे थे. एग्जैक्टली. तो बात यही है कि मैंने सबके कमेंट्स देखे, लेकिन आप में से सिर्फ एक ही वो एस्पिरेंट है जिसने दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए थे. उनका नाम है दीपक यादव. दूसरा क्वेश्चन जो था मेरा, बेसिकली दो क्वेश्चन थे. एक क्वेश्चन था जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री, कौन सी है, राइट? तो चाइना वॉज द राइट आंसर. और एक ही एस्पिरेंट है जिन्होंने इसका आंसर दिया, बाकी सबने एक्सरसाइज वज्र प्रहार जिसकी हमने बात करी, जो क्वेश्चन था मिलिट्री एक्सरसाइज, इट इज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. तो ये जो है ये यूएसए आंसर सबने दिया, नो डाउट एट इट. लेकिन जो एक क्वेश्चन था एलएसी वाला, किसी ने आंसर नहीं दिया, सिर्फ एक ही एस्पिरेंट ने दिया. अब आज देखते हैं कि कौन देता है आंसर्स जो आज के क्वेश्चंस होंगे, राइट? तो दीपक यादव, वेल डन, आपने दोनों आंसर्स दिए. लेट्स सी आज के क्वेश्चंस क्या हैं. चल, तो विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम सीधा सेशन पे आते हैं और अपना पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं. आई थिंक सबने फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर सबके स्क्रीन्स पर होगा. और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जल्दी से देख लीजिए, और मुझे इसका जो सही आंसर है वो अगर आपने सोच लिया है तो वेल एंड गुड. मैं आपके लिए क्वेश्चन भी पढ़ देती हूँ और इसको हम अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, राइट? क्वेश्चन है, व्हाट इज वेरोरा डिस्ट्रक्टर? ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा, तो ये क्या है, व्हाट इज वेरोरा डिस्ट्रक्टर, ये अब आपको बताना है. क्या ये एंटीशिप मिसाइल है, कोई सैटेलाइट है, कोई पैरासिटिक माइट है, कोई वैक्सीन है? तो ये कोई वैक्सीन नहीं है, ये एक पैरासिटिक माइट है, राइट? तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. एक एक्सटर्नल पैरासिटिक माइट है दैट अटैक्स और फीड करती है ऑन हनी बीज, राइट? तो ये भी अगर कल को पूछा जाए तो ध्यान में रखना, इट रिप्रोड्यूस ओनली इन द हनी बी कॉलोनी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड आफ्टर द डिटेक्शन ऑफ दिस डिस्ट्रक्टर, जो ऑस्ट्रेलिया है, इट हैज़ टेकन वेरियस मेजर्स ताकि वो अपने हनी बीज को प्रोटेक्ट कर सकें, राइट? एंड ऐसा नहीं है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, दिस पर्टिकुलर माइट हैज़ कोलैप्स सेवरल हनी बी कॉलोनीज इन द यूएसए एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल. तो ये एक पैरासिटिक माइट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? चलो, विक्टोरिया बोलवियन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ स्पीशीज ऑफ विच प्लांट? तो ये किस प्लांट की स्पीशीज है? इट वॉज दिस टर्म वॉज सीन इन न्यूज. अब आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या लगता है आपको, वॉटर लिली? मतलब मुझे तो यही लगता है, तो आपको क्या लगता है? तो अगर हमारा लगना एक जैसा है, मुझे भी वाटर लिली साउंड करता है, ऑप्शन ए की सही है. एंड इफ यू ऑल्सो फील द सेम देन वी बोथ आर राइट, ऑप्शन ए इज एब्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर, राइट? अभी जिसको टाइम चाहिए था ऑप्शन ए देखने के लिए तो वो भी देख लीजिए, वाटर लिली ही है. चलो आगे चलते हैं. जस्ट स्टॉप ऑयल विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली, ये बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लाइमेट एक्टिविस्ट. तो ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट का ग्रुप है, आपको बताना है कि ये ग्रुप इज बेस्ड इन विच कंट्री, यूएसए, यूके, जर्मनी या फिर इटली. अब ऐसे कुछ एक दो क्वेश्चंस होंगे एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी में जिसमें अगर जहां कुछ ऐसे एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है तो वहां पर आई वुड से कि सीधा हम आंसर्स ही देखेंगे, लेकिन जहां जहां होती है और प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट एनालिसिस के साथ ही क्वेश्चंस हुए हैं तो इसका सही आंसर सबने सोच ही लिया होगा. तो द राइट आंसर इज यूके, ऑप्शन बी. सो दिस ग्रुप जो है क्लाइमेट एक्टिविस्ट का, इट इज़ बेस्ड इन यूके एंड ये दे फ्रॉम देयर यूनिक वेज, मतलब उनके कुछ यूनिक वेज से दे ड्रॉ देयर अटेंशन टू द जो भी जिस कॉज है. क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं तो डेफिनेटली फॉर देयर कॉज थ्रू द बेस्ट, अलग अलग सबके एक अलग अलग वेज होते हैं, राइट? तो यहाँ पर दे हैव देयर यूनिक वेज फॉर ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ द पब्लिक एज वेल. ओके, अगला एक नाम है, एक फॉसिल है विच इज व्हाट इज यूनिक अबाउट द फॉसिल, इसका नाम है ऑस्कैंसर कॉब्रेंसिस, ठीक है? तो क्या यूनिक है इस फॉसिल के बारे में? ओल्डेस्ट नोन ट्री क्लाइंबिंग रेप्टाइल है, टर्टल, स्पाइडर या फिर ओल्डेस्ट नोन शार्क?
तो ऑप्शन ए जो है वंस अगेन इज द राइट आंसर. इट इज ऑल्डेस्ट नोन ट्री क्लाइंबिंग रेप्टाइल. तो ऑप्शन ए जिस जिसने भी मार्क किया आप बिल्कुल सही हैं. अगला क्वेश्चन है साइंटिस्ट. अभी ना ये आपको ऐसे लग रहे होंगे ये टर्म्स ही हैं, स्पीशीज ही है, कोई बात नहीं. कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नेशनल पार्क, इंडिया के फेमस नेशनल पार्क, वेटलैंड, रामसर साइट, वो भी क्वेश्चन हैं, उनको भी लेंगे. थोड़ा टाइम दीजिए, इसी सेशन में होगा. साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री डिस्कवर्ड अ न्यू जाइंट कार्निवोरस डायनासोर स्पीशीज. इस स्पीशीज का नाम अगर आप देखेंगे मिराक्सिस गिगास, तो ये स्पीशीज है, ये भी पता चल गया डायनासोर स्पीशीज है, राइट. कौन सी कंट्री में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया दिस न्यू जाइंट? अर्जेंटीना में. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं. ये तो बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी फॉनल स्पीशीज वर एडेड बाय इंडिया इन 2021 एज पर द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रीज रिपोर्ट. तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने, हाउ मेनी फॉनल स्पीशीज वर एडेड बाय इंडिया इन 2021? क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से सोच लीजिए, बहुत ही ईजी, 2 सेकेंड लगने चाहिए इसके आंसर में. अगर आपने 540 सोचा है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वट इज ड्रैको विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली? क्या है, क्या है ये ड्रैको? तो अगर आपको पता हो ये एक थंडर स्टॉर्म, मतलब एक स्टॉर्म सिस्टम है, तो ऑप्शन बी जिसने भी सोचा पहले तो सही सोचा. तो ये बेसिकली कहाँ, जो सेवरल स्टेट्स हैं यूएसए में, वहाँ पर इस थंडर स्टॉर्म ने, स्टॉर्म सिस्टम ने हिट किया और जो स्काई था पूरा, यू कैन से इट स्टार्टेड टर्निंग ग्रीन, राइट. तो दिस स्टॉर्म जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद स्टॉर्म सिस्टम. कल को पूछ भी लिया जाए तो प्लीज डू रिमेम्बर दैट इट रिसेंटली हिट द स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. सेवरल स्टेट्स ही यूनाइटेड स्टेट्स की, वहां पर ही आया स्टॉर्म सिस्टम. ठीक है, चलो. सिंगालीला नेशनल पार्क कहाँ पर है? पूरा स्टेटमेंट तो क्या ही पढ़ना, क्वेश्चन यही है, मतलब पता चल जाता है. तो कहाँ है? इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड या फिर सिक्किम? What do you think is the right answer? This national park is in West Bengal. Option B is the correct answer. ठीक है, याद में रखना, आगे अभी बहुत सारे questions होंगे ऐसे national park, wetlands से associated, right? Ramsar site से associated. तो आपको ये सारी याद रखनी है. Long cross, which passed away recently, belong to which species of animal? Bengal tiger, Asian elephant, African elephant, one horned rhino. सो इट बिलोंग टू विच स्पीशीज ऑफ एनिमल? एनिमल की कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करते हैं लॉन्ग क्रॉस? एशियन एलिफेंट से. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एशियन एलिफेंट. याद में रखना नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना. विच टाइप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड वाटर बियर्स और मॉस पिगलेट एंड आर नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशंस? बिल्कुल सही बात है, जो ये टाइप ऑफ एनिमल है ना, इनको क्वेश्चन किसी भी तरीके से ट्विस्ट हो सकता है. तो इनको वाटर बियर्स और इनको मॉस पिगलेट के नाम से भी जाना जाता है, और ये बेसिकली एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं. इनका नाम क्या है वो आप बताएंगे. सोच लिया है तो वेल एंड गुड, 2 मिनट दीजिए मुझे, क्योंकि मैं आपको ये भी बता देती हूँ. इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1773 एंड ये वो ग्रुप है जो कि माइक्रोस्कोपिक है. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक इन्वर्टिब्रेट्स हैं ये, एंड एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं. दे कैन ग्रो टू अ मैक्सिमम साइज ऑफ 0.5 mm. ये कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट हैं. अब ये पूरी करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स जान लिए हैं तो नाम भी पता चल गया होगा इनका, टार्डीग्रेड नाम है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, साउथ यूरोपियन कंट्रीज हैव रिसेंटली विटनेस्ड विच डिजास्टर? फ्लड, वाइल्ड फायर, ड्रॉट, टॉर्नेडो. तो साउथ यूरोपियन कंट्रीज, स्पेन इंक्लूडिंग स्पेन, ग्रीस, फ्रांस, दे हैव विटनेस्ड ह्यूज वाइल्ड फायर्स. एग्जैक्टली, वाइल्ड फायर इज द राइट आंसर. वाइल्ड फायर्स और हीट वेव बहुत, एंड राइजिंग टेम्परेचर. तो देखो, मतलब क्लाइमेट चेंज और राइजिंग टेम्परेचर की वजह से 100 ऑफ डेथ्स वर रिपोर्टेड, राइट. एंड यस, राइट आंसर इज वाइल्ड फायर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपके सामने 2 स्पीशीज के नाम हैं.
आपको क्या बताना है, ये जो नाम है दे बेसिकली आर रिलेटेड टू किन्यांग मेबोकोइंसिस एंड किन्यांग चेरनोवी आर दी नेम्स ऑफ विच स्पीशीज डिस्कवर्ड रिसेंटली. सोच लिया क्या बात, क्या लगता है, सही सोचा? क्रोकोडाइल सोचा है, बिल्कुल सही सोचा है. जाइंट ड्वार्फ क्रोकोडाइल्स बेसिकली ये जो नेम्स हैं ऑफ दे आर फ्रॉम दे आर रिलेटेड टू दी क्रोकोडाइल्स. तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर. काराकोरम एनोमली विच वॉज सीन इन दी न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फिनोमिना. काराकोरम तो मतलब सबने सबको पता ही होगा ज्योग्राफी. काराकोरम एक माउंटेन रेंज है कश्मीर, बेसिकली आप बोल सकते हैं इन कश्मीर, एंड स्पैनिंग अक्रॉस पाकिस्तान भी है, चाइना है, इंडिया है, राइट. कराकोरम एनोमली क्या है? कराकोरम एनोमली, चलो पहले आप आंसर ही बता दो. ये एनोमली इज एसोसिएटेड विद विच फिनोमिना? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर. सबको पता है कि मतलब ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज वी हैव सीन द ग्लोबल ट्रेंड ऑफ ग्लेशियर्स लूजिंग देयर मास, राइट. लेकिन ये काराकोरम एनोमली ऐसी एनोमली है कंट्रेरी टू जो चल रहा है ग्लोबली. काराकोरम रेंज में ये देखा गया है, सेंट्रल काराकोरम में, कि वहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स इन दैट सेंट्रल काराकोरम, दे हैव रिमेन्ड सेम या स्लाइटली पॉजिटिव ट्रेंड है वहाँ पर, एक बैलेंस आप बोल सकते हैं. बट जो ग्लोबली चल रहा है ग्लेशियर लोस, जो ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, हम बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहा है वहाँ, दिस पर्टिकुलर यू कैन से इशू ट्रेंड इट इज नॉट बींग ऑब्जर्व देयर, राइट. तो इसीलिए ये टर्म आया है काराकोरम एनोमली, इट इज एसोसिएटेड विद मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. विच इंडियन स्टेट रिसेंटली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एवर सर्वे ऑफ ब्लैक बक्स? तो इसमें से वो कौन सी स्टेट है जिसने रिसेंटली एक सर्वे कंडक्ट किया ऑफ द ब्लैक बक? क्या लगता है, क्या सही आंसर है? प्लान इज टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड स्पीशीज. इस सर्वे का एम क्या था? सर्वे का एम है फॉर कंजर्वेशन एंड फॉर प्लानिंग टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड स्पीशीज. ये कंडक्ट किया गया था बाय अ स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट. उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. याद रहेगा ये फर्स्ट एवर सर्वे है ऑफ ब्लैक बक, कौन सी स्टेट ने किया? आंध्र प्रदेश ने. चलो, इंडिया साइंड एमओयू विद विच कंट्री फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? तो इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, आपको बताना है कौन सी कंट्री के साथ किया है, किस लिए किया है? फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ 8 चीतास इनटू कुनो नेशनल पार्क, राइट. पहली बात तो ये, एंड साथ ही साथ डेफिनेटली इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कॉपरेशन की, कॉपरेशन ऑन यू कैन से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन इन सस्टेनेबल मैनर, उन सब की भी बात होगी की. तो इंडिया ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद नमीबिया, ऑप्शन बी. एक पहला क्वेश्चन, आज मुझे सब बच्चों के सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए जो जो भी मैं पूछ रही हूँ, राइट. फिर देखते हैं सारे आंसर्स कौन करता है. पहला क्वेश्चन तो मेरे लिए, आपके लिए ये है कि ये कुनो नेशनल पार्क कहाँ है. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, वेयर इज कुनो नेशनल पार्क? देखते हैं कौन सारे आंसर्स देगा, कोई एक दो नहीं, जितने भी पूछे जाते हैं सभी देने होते हैं. IUCN हैज लिस्टेड विच स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई इन द एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट? तो आई होप सबको पता ही है कि एंडेंजर्ड कैटेगरी, एक्सटेंशन और नियर थ्रेटेंड, राइट. तो एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट में विच स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई इज रिसेंटली लिस्टेड? तो क्या लगता है, राइट आंसर इज मोनार्क बटरफ्लाई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. ओके, तो यहाँ पर आपके पास कुछ नाम है. पलीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव, सॉरी इफ आई एम टेकिंग द नेम्स रॉन्ग, बट मतलब यही है कि आपको पता चल जाए. एंड कुछ कुछ स्लाइड जो होता है, हो सकता है कुछ डिफरेंस होता है आप किस तरीके से प्रोनाउंस करते हो, बट बात ये है कि दे वर डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स. ये कहाँ पर हैं? दे आर लोकेटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु में. आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में ही है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. और इंडिया ने अभी, दे हैव डेजिग्नेटेड 5 न्यू वेटलैंड्स, राइट. तो ये जो न्यू साइट्स हैं ऑफ द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये 5 आफ्टर एडिंग दिस, तो टोटल जो 5 न्यू वेटलैंड्स हैं वो देख लीजिए. 3 वेटलैंड्स तमिलनाडु से हैं, एक कहाँ से, मिजोरम से, एंड 1 फ्रॉम मध्य प्रदेश, राइट. नाम बता दूँ, चलो बता देते हैं इसका. तमिलनाडु के 2 तो हो गए, थर्ड वन इज
करिकली बर्ड सेंचुरी, करिकली बर्ड सेंचुरी, और एक जो है इट इज फ्रॉम मिजोरम, नेम ऑफ द वेटलैंड इज पाला वेटलैंड, एंड एक इज फ्रॉम, अदर वन इज फ्रॉम मध्य प्रदेश, द नेम इज साख्य सागर. याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रही हूं मैं, बता रही हूं आपको, ठीक है. चलो, सो आफ्टर दिस द कंट्री हैज, अगर मैं बात करूँ, वी हैव इंक्रीज द रामसर साइट्स एंड नाउ द नंबर हैज इंक्रीज आफ्टर एडिंग दीज फाइव न्यू वेटलैंड फ्रॉम 49 to 54, राइट. ये जो कुछ वेटलैंड एड हुए हैं एंड डेजिग्नेटेड एज द रामसर साइट, सो टोटल नंबर बिकम्स 54. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लाइडियस लेटरस अ न्यू स्पीशीज ऑफ, ये विनोमिनस स्नेक की स्पीशी है. क्वेश्चन में ही कभी कभार चीजें जो होती हैं अपने को याद रखनी होती हैं, तो प्लीज डू रिमेंबर दैट. इट वॉज आइडेंटिफाइड इन अ नेशनल नेचर रिजर्व, नाम है उसका ज्यू जगू नेशनल नेचर रिजर्व, अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ विच कंट्री. नाम से थोड़ा आइडिया लग रहा है क्या? चाइना. सोचा है? सही सोचा है. द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ चाइना, ऑप्शन बी. हाँ, और ये प्लीज ध्यान में देना, इट इज अ न्यू स्पीशीज, ये स्पीशीज जो है इट इज ऑफ विनोमिनस स्नेक, स्नेक की स्पीशी है. योसेमाइट नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन न्यूज फॉर ओक फायर इज लोकेटेड इन विच कंट्री. तो ये नेशनल पार्क जो है दैट वॉज इन न्यूज, किस लिए न्यूज में था? फॉर ओक फायर. ओक फायर हैज बर्नड, यू कैन से अराउंड 17,000 एकड़, एंड इट इज द लार्जेस्ट वाइल्ड फायर ऑफ 2022 दैट स्प्रेड वेरी फास्ट, राइट. क्यों? ड्यू टू द हॉट वेदर, ड्राई वेदर, ड्रॉट जैसी कंडीशंस की वजह से. तो आपको ये बताना है कि दिस पार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री, यूएसए. कभी कभार तो ऐसा होता है आगे ऑप्शंस ही नहीं देखने की जरूरत. बिल्कुल सही है, यूएसए इज द करेक्ट आंसर. एज पर द रिसेंट गवर्नमेंट डेटा, हाउ मेनी टाइगर्स डाइड इन द लास्ट 3 years इन इंडिया? कितने टाइगर्स पिछले लास्ट 3 सालों में, हाउ मेनी टाइगर्स हैव डाइड? तो ये अब आपको बताना है, राइट आंसर इसका क्या है ये आप बताएंगे. 329, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 329 टाइगर्स हैव डाइड इन द लास्ट 3 years, एंड एज पर द डेटा ऑल्सो प्लीज डू रिमेंबर 125 पीपल हैव बिन किल्ड इन द टाइगर अटैक्स ऑल्सो, राइट. अगर मैं बात करूँ एलिफेंट्स, हाउ मेनी एलिफेंट्स हैव डाइड, तो अराउंड 307 एलिफेंट्स हैव डाइड. रीजन्स कैन बी पॉइजनिंग, ट्रेन एक्सीडेंट्स की वजह से, ड्यू टू पोचिंग, राइट. लास्ट 3 years में देर कैन बी डिफरेंट रीजन्स, एंड कंसेप्ट लाइक इको ब्रिजेस, अगर आपने न्यूज़ में भी देखा हो, अगर आप कॉन्टीन्यूसली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ आर्टिकल्स, तो ऐसे कुछ आइडियाज़ आपको भी माइंड में आने चाहिए. यू शुड कम अप विद दी, कल को अगर आपको कुछ सॉल्यूशंस की बात करी जाए तो हाउ वी कैन सेव, व्हाट सस्टेनेबल मेथड से भी, तो इको ब्रिजेस वन सच कंसेप्ट. आप क्रिएट करिए इको ब्रिजेस तो 2 passing ways हो जाते हैं, राइट. तो चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ 24-hour टोल फ्री नंबर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन लंपी स्किन डिसीज ऑफ कैटल? आई होप सबको पता हो, क्योंकि ये स्किन डिसीज, लंपी स्किन डिस काफ़ी न्यूज़ में रही है अभी, एंड इट इज सीन इन लाइव स्टॉक, राइट, कैटल. और अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, ये जो स्किन डिसीज है इट इज कॉज्ड बाय, तो इट इज कॉज्ड बाय वायरस. नेम ऑफ द वायरस इज कैप्रीपॉक्स वायरस. इम्पॉर्टेंट है, वायरस का नाम भी ध्यान में रखिएगा. लाइफ स्टॉक के अंदर होने वाली डिसीज है ये, एंड जिस स्टेट ने लॉन्च किया है 24-hour का टोल फ्री नंबर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन दिस डिसीज, उस स्टेट का नाम है गुजरात, ऑप्शन बी, ठीक है. द हाइएस्ट डैमेज ऑफ अ क्रॉप ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज हैज बिन रिकॉर्डेड इन विच स्टेट? क्वेश्चन पढ़ दिया है मैंने आपके लिए. कौन सी स्टेट में, किस स्टेट ने रिकॉर्ड किया है highest damage of crop area due to natural calamities like floods? This particular place was hit by heavy floods in 2022-2023. Correct. Assam is the right answer. Option C. The Doba Tiger Reserve, which hosted the Global Tiger Day celebration, is located in which Indian state? ये आपके लिए homework है दूसरा. एक कुनो नेशनल पार्क पूछा है, राइट, और ये है तडोबा टाइगर रिजर्व जो आपको बताना है. इट होस्टेड, चलो ऐसा करते हैं इसका आंसर बता ही देती हूँ, बता दे.
बता देते हैं, ये होमवर्क नहीं रखते हैं, ये बता देते हैं. द डोबा टाइगर रिजर्व विच होस्टेड द ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशन, इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अभी एक ही होमवर्क चल रहा है, ठीक है? तो ऑप्शन बी इज वंस अगेन द राइट आंसर, महाराष्ट्र में है ये. विच ग्लोबल एसोसिएशन रिकॉग्नाइज द राइट टू अ क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट एज अ ह्यूमन राइट? चलो ये बताइए अब आप मुझे आंसर इसका क्या है. कौन से ग्लोबल एसोसिएशन है दैट हैज़ रिकॉग्नाइज द राइट टू क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट? बिल्कुल होना भी चाहिए, अपने को रखना भी है, राइट टू क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट. एंड इंडिया ऑल्सो वोटेड इन द फेवर. अब तो पता ही चल गया होगा. क्या लगता है? यूनाइटेड नेशंस. करेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. यूनाइटेड नेशन इज द एसोसिएशन दैट रिकॉग्नाइज द राइट टू क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट एज अ ह्यूमन राइट. पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर अ न्यू डेमसेलफ्लाई स्पीशीज वॉज स्पॉटेड, इट इज इन विच स्टेट? तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है ये आपको बताना है. वेयर इज दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? डू यू थिंक इज द राइट आंसर? केरला. बिल्कुल सही है, केरला के अंदर ही है. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेम ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज पिची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आपको पता होना चाहिए अब ये कहाँ पर है. राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. अ हर्पेट ऑफ फौना सर्वे वॉज कंडक्टेड साइमल्टेनियसली इन 6 प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ विच वाइल्ड लाइफ डिवीजन? इट इज मुन्नार वाइल्ड लाइफ डिवीजन. ऑप्शन बी. तो ये जो सर्वे है, इट वॉज कंडक्टेड एंड इट रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ 60 स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस और साथ ही साथ 74 ऑफ रेप्टाइल्स. राइट, सो ये सर्वे ने कहा है. एंड ये सर्वे कहाँ हुआ? मुन्नार वाइल्ड लाइफ डिवीजन में. अमेरिकन बुलफ्रॉग एंड ब्राउन ट्री स्नेक विच वर सीन इन द न्यूज आर क्लासिफाइड एज विच कैटेगरी ऑफ स्पीशीज? इन्वेजिव स्पीशीज. करेक्ट, पहले ही सही आंसर है. दे आर क्लासिफाइड एज अ कैटेगरी ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज. इन्वेजिव स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं, बोला जाता है कि वेन एवर दे एंटर इन टू द पर्टिकुलर दैट रीजन दैट एरिया, तो इट बिकम्स अ थ्रेट टू द अदर वन, है ना. एलियन स्पीशीज अगर आपने सुना हो, राइट, जब हम ऐसे बोलते हैं ना, कोई बाहर की प्रजाति जो एलियन स्पीशीज होती है, जब वो कोई लाई जाती है एंड उसकी वजह से जो वहाँ के जो स्पीशीज होती हैं उनको ऐसा लगता है वो खतरा पैदा हो जाता है, लाइक दैट. राइट, तो इन्हें इन्वेसिव स्पीशीज जो है वो बोला भी जाता है. चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी एंड कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी विच वर डिक्लेयर्ड रामसर साइट्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? कहाँ पर हैं? दो बर्ड सेंचुरीज हैं, आपको बताना है ये कहाँ पर हैं. द राइट आंसर इज तमिलनाडु. दे वर डिक्लेयर्ड रामसर साइट्स. तो ऑप्शन सी इज द रामसर, सॉरी, ऑप्शन सी तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर. प्लीज डू रिमेम्बर दैट. राइट, याद रहेगा. चलो देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. साइट्स कन्वेंशन विच इज फाउंड इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? वाइल्ड लाइफ. करेक्ट, इट इज एसोसिएटेड विद वाइल्ड लाइफ. तो यहां पर आप मुझे साइट्स के फुल फॉर्म बताएंगे. कभी कभार हम इग्नोर करते हैं, नहीं मालूम होता है अपने को, लेकिन इनके फुल फॉर्म जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. मैं एनीवे आपको, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एसोसिएशन ही क्यों ना हो, चाहे एशियान हो या फॉर दैट मैटर कोई भी, अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साइट्स कन्वेंशन हैं, इनके फुल फॉर्म्स मालूम होने चाहिए. गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ते हैं, उनके फुल फॉर्म पता होने चाहिए. राइट, तो यहाँ पर अब आप मुझे इसके कंप्लीट नेम बताएंगे. करेक्ट, गुंडी नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये नेशनल पार्क कहाँ पर है ये आपको बताना है. इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु. वंस अगेन एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट वन. पेनिनसुलर रॉक अगमा विच वॉज सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच स्पीशीज? कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करती है? टर्टल, लीजर्ड, स्नेक या फिर स्पाइडर? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. लिजर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी. ठीक है, विच कंपनी डेवलप्ड सेकेंड जेनरेशन इथेनॉल प्लांट विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड? ये क्वेश्चन है कि 2G बायोफ्यूल प्लांट है दैट वॉज सेटअप टू बूस्ट द प्रोडक्शन एंड यूसेज ऑफ द बायोफ्यूल्स इन द कंट्री. राइट, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड दिस 2G इथेनॉल प्लांट
इसको इनॉग्रेट भी किया, एंड किस कंपनी ने डेवलप किया पहले तो वो जान लो, IOCL, दैट इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। तो ये जो 2G बायोफ्यूल प्लांट है इसको इनॉग्रेट किया इन पानीपत हरियाणा में, तो प्लीज डू रिमेम्बर दैट। एंड ये जो प्लांट है इट विल यूटिलाइज अबाउट 2 लाख टन्स ऑफ राइस स्ट्रॉ एनुअली, और इसको यूटिलाइज करने पे इट विल जनरेट अराउंड 3 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल एनुअली। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, दैट इज ₹900 करोड़ की कॉस्ट है इसकी। कहाँ पर है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पानीपत हरियाणा में इनॉग्रेट हुआ है, तो प्लीज़ डू रिमेंबर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व विच वॉज नोटिफाइड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कहाँ पर है अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व, टेल मी द राइट आंसर। इट इज इन तमिलनाडु, तो ऑप्शन बी वंस अगेन इज द राइट आंसर। अब ना यहाँ पर आपके लिए एक और क्वेश्चन है, गिनते जाओ कितने क्वेश्चन हो गए हैं आज, क्योंकि आप क्वेश्चन से बचते हो। इट इज द 5th एलिफेंट रिजर्व ऑफ द स्टेट। आप मुझे ये बताएंगे तमिलनाडु में टोटल, मतलब अब तो ये मैंने ही बता दिया है, इट इज़ द 5th एलिफेंट रिजर्व। तो चलो ये क्वेश्चन ये भी स्किप हो जाएगा आज आपके लिए, आज आपके लिए क्वेश्चन स्किप हो गए, 2 क्वेश्चन हैं अभी तक। तो तमिलनाडु में इट इज़ द 5th एलिफेंट रिजर्व ऑफ द स्टेट, सो प्लीज़ डू रिमेंबर दैट। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन है, ये आप बताएंगे इंडिया में कितने एलिफेंट रिजर्व्स हैं, हाउ मेनी एलिफेंट रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा, सर्च करना थोड़ा सा। As of August 15, 2022, India has how many Ramsar sites? India has how many Ramsar sites? As of 15th August 2022, 75. Please do remember this. Very important. Very, very important. Right? Chalo. Moving to the last question of today's. Megalodon, which was seen in news, it belongs to which species? So it belongs to shark. की स्पीशी है, स्पीशी से बिलोंग करता है, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आई एक्सपेक्ट कि आप सब जो हैं मुझे, जो आज हमने क्वेश्चंस कवर करे हैं, जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, उनका मुझे चैट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में आंसर मिलेगा सबका। फिर देखते हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कौन करता है, टोटल 3 ही क्वेश्चंस हैं एंड तीनों क्वेश्चंस के मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, फिर देखेंगे कि कौन है जिन्होंने तीनों क्वेश्चंस के आंसर किए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ और कुछ नई कैटेगरी होगी। टिल देन आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी हेयर अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू।